हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की हत्या के बाद अब इसराइल के खिलाफ अपनी जंग को और तेज कर दिया है। ऐसे में इसराइल ने 2 सप्ताह की भीषण बमबारी के बाद लेबनान में जमीनी हमला शुरू कर दिया है। सोमवार मंगलवार की रात इजरायली सैनिक टैंकों के साथ सीमा पार कर लेबनान में घुस गए और हिजबुल्ला के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच पिछले 1 साल से जारी संघर्ष पिछले 2 हफ्ते में और भीषण हो गया है। इसराइल ने हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला और समूह के कई शीर्ष कमांडरों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने जमीनी हमले को सीमित अभियान बताया है, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो कितने समय तक लेबनान में रुकने वाली है। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि इसराइल हिजबुल्ला पर निर्णायक प्रहार करने के लिए तैयार है, जिसने दशकों से उसके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रखा है। पिछले 1 साल में हिजबुल्ला ने इसराइल पर सैकड़ों बार मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट की बौछारें की है, जिसका जवाब इसराइल ने दिया है। अब इसराइल ने सेना उतारकर युद्ध लड़ने का फैसला किया है, लेकिन इसके पहले वो 2 बार लेबनान में जंग लड़ चुका है। इसराइल के लेबनान पर किए गए पिछले हमले बेनतीजा रहे थे। इसकी वजह है इसराइल की बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की जान गंवानी पड़ी थी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को भी काफी नुकसान हुआ था। इसराइल और हिजबुल्ला की दुश्मनी की कहानी दशकों पुरानी है। हिजबुल्ला की स्थापना 1882 में लेबनान पर इसराइल के पहले हमले के बाद हुई थी। इसराइल ने लेबनान पर हमला फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन PLO के खिलाफ किया था, लेकिन जल्द ही इसराइली सैनिकों ने खुद को हिजबुल्ला से लड़ते हुए पाया। ईरान के समर्थन से बना शिया चरमपंथी समूह ने इसराइल के विनाश को अपना लक्ष्य घोषित किया। इसराइली सैनिकों ने 2000 तक दक्षिणी लेबनान के हिस्से पर कब्जा कर रखा था, जहां उन्हें मुख्य रूप से हिजबुल्ला के हमलों का सामना करना पड़ा। 6 साल बाद इजरायली सेना फिर लेबनान में घुसी, जब हिजबुल्ला ने इजरायल के 2 सैनिकों का अपहरण कर लिया, लेकिन वो युद्ध इजरायल की विफलता में गिना जाता है। इस जंग में सैकड़ों हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए तो 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। जंग में दर्जनों इजरायली और 1000 से ज्यादा लेबनानी नागरिक मारे गए। 2006 की लेबनान जंग की सबसे मुख्य बात ये थी कि जमीनी अभियान के बाद भी हिजबुल्ला बरकरार रहा। इसके बाद से ही हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान ने उससे हथियारों और फंडिंग के जरिए मदद की है। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्ला के पास 1 लाख लड़ाके हैं, हालांकि विशेषज्ञ इसकी संख्या 40 से 50 हजार बताते हैं। समूह के पास 2 लाख मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट का विशाल भंडार है। इसकी मिसाइलें लगभग पूरे इसराइल में पहुंच सकती हैं। इसी वजह से हिजबुल्ला इसराइल के लिए नासूर बना हुआ है। 2 जंग के बाद भी हिजबुल्ला नहीं रुक रहा है।